गिरिजा व्यास का कहना है कि देश में लहर नहीं तूफान था जिसके सामने खड़ा होना मुश्किल था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हार की समीक्षा होगी और सोनिया राहुल के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। गिरिजा व्यास से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी हार पर मंथन करेगी, हमारे साथ गिरिजा व्यास जी हैं। गिरिजा व्यास जी, मंथन तो सही है लेकिन जब कभी कांग्रेस जीतती है तो आप सभी लोग नारा लगाते हैं कि सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, लेकिन हार की जिम्मेदारी उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, सीधी बात है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने तो पार्टी को बचाया है 16 साल से, जिस तरह से इस पार्टी को एक रख करके दृढ़ता के साथ हमारे राज्यों में हम आए, दो दो बार हमने सरकार बनाई, तो ये सब कुछ उनकी मेहनत का फल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्यों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिवली हमारे यहाँ हमेशा रहा है और हम लोग मिल करके सबजुल करके और कार्य करेंगे, फिर पार्टी उभर करके आएगी। हर तरफ हम देखें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं थी और फिर जब सुबह से लेकर के सुबह 6 बजे यदि आप टीवी खोलें और रात को आप 12 बजे बंद करें तब तक एक ही चेहरा दिखता रहे, तो एक कहना चाहिए कि एक साइकोलॉजिकल एक, और इसको मैं साइकोसिस कहूँगी कि एक डेवलप हो गया कि लोगों में उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक ऐसी जो मैं लहर भी नहीं कह सकती, मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा तूफान आया था कि उसमें खड़ा रहना बहुत मुश्किल था।